हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल अभी तक हम लोगों ने एस एस सी सी का एंसियंट हिस्ट्री मेडावल हिस्ट्री फिजिकल ज्योग्राफी कंप्यूटर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लिया है और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फिजिक्स का पार्ट वन किया था जिसमें टोटल सेवेंटी क्वेश्चन आंसर थे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो टोटल नाइन्टी क्वेश्चन है उसे आज हम लोग कम्प्लीट करेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन मतलब की अप टू वन क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में आ सकते हैं लेकिन बाकी के जो लास्ट क्वेश्चन है जिसे मैंने सॉर्ट आउट किया है वो बेसिकली इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर बहुत ही लो ग्रेड टॉपिक है जिसका बहुत ही कम चांस है आने का एग्जाम में तो आप उसे नहीं भी देख सकते हो लेकिन फर्स्ट थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन वो इम्पॉटेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है विच एमोंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट विस्कोसिटी तो इसका आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजिज विथ इंक्रीज इन प्रेशर जो ये गलत है ये फॉल्स है विस्कोसिटी का एक्चुअली में विस्कोसिटी का क्या होता है अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज करेगा जैसे कि ये आंसर भी सही है कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेज जो होता है लेस देन दैट ऑफ लिक्विड होता है विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर ये भी सही है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर ये भी सही है तो हमारा गलत आंसर कौन सा है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेंस सेम एवरीवेयर वस्तु का दरमान सभी जगह पे बराबर होता है लेकिन अगर वेट होगा तो ये डिफरेंट होगा अलग जगह पे जैसे कि W इज इक्वल टू एम जी यहाँ पे क्या है जो हमारा M है इसको बोलते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग द्रव्यमान भी बोलते हैं लेकिन जो वेट होता है W वो डिपेंड करता है G पे अगर G का वैल्यू हमारा अलग अलग होगा तो हमारा वेट भी क्या होगा अलग अलग होगा तो अगर क्वेश्चन में वेट पूछा जाएगा तो वेट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो हमारा वन आंसर हो जाएगा अगर वेट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड एरियोमीटर विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया यंत्र एरियोमीटर कहा जाता है चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन है बैथीमीटर बैथीमीटर क्या होता है इसका यूज डेप्थ ऑफ वाटर जो सीज का होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग बैथीमीटर का यूज करते हैं क्रायोमीटर का यूज़ कब करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का बहुत ही कम टेम्परेचर हो तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्रायोमीटर का यूज़ करते हैं और एरियोमीटर जिसे हम लोग हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं हाइड्रोमीटर और एरियोमीटर दोनों सेम ही है और इस दोनों का हम लोग यूज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी और या फिर रिलेटिव डेंसिटी इसको मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर और एडियोमीटर का यूज करते हैं और लास्ट ऑप्शन है साइमोमीटर साइमोमीटर का यूज़ कब करते हैं इलेक्ट्रिक वेव ऑक्सीन का फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए जो वेव मोशन होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग साइमोमीटर का यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर वेट डब्लू ऑफ ए बॉडी कैन बी गिवेन बाई द फॉर्मूला तो अभी हम लोग ने देखा था कि वेट का क्या फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी शरीर के भार को डब्ल्यू इज इकल टू एम जी से याद कर सकते हैं पेयर ऑफ फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिटली डायरेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मूवमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा कपल कपल बलों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या श्रवणों से विस्थापित रहती है तो कपल क्या है सपोज कोई दो ऑब्जेक्ट है एम वन और एम टू तो इसपे एक फोर्स इधर से लगेगा इस पर एक फोर्स इधर से लगेगा तो इसको हम लोग कपल बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स अ लार्ज फोर्स ऑन ए रोटेटिंग बॉडी रिजल्ट इन लार्ज टॉर्क घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़ा टॉर्क होता है क्यों होता है क्योंकि टॉर्क इजकल टू आर क्रॉस एफ होता है अगर एफ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली है कि हमारा टॉर्क भी ज़्यादा होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्सला सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो वेबर होगा और दूसरा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर से और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा टेक्सला होगा तो हमारा जो क्वेश्चन क्या पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है तो हमारा आंसर टेक्सला हो जाएगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो हमारा आंसर वेबर हो जाएगा और एक और ऑप्शन है हेनरी हैनरी हेनरी क्या है हेनरी इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट ह्यूमिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय तो इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन टेक्सला इज अ यूनिट ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन अभी हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो टेक्सला होता है और हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है टेक्सला भी हमारा यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का भी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी क्वेश्चन नंबर एट्टी स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर टू द करेंट फॉलोइंग थ्रू इट इज ए कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या होता है व्ही डिवाइड बाई आई जो होगा वो क्या होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा जो हमारा ये डिफिनेशन बोल रहा है कि डैश एस्टेट दैट्स द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस अ कंडक्टर टू द करेंट फॉलोइंग थ्रू इट इज अ कॉन्स्टेंट और साथ में क्या बोल रहा है इसका जो टेम्परेचर होगा वो सब रिमेंस कॉन्स्टेंट होगा एक कंडीशंस है हमारा तो ये क्या है ओम्सलॉ कहता है कि एक कंडक्टर के माध्यम से बहने वाले धारा के साथ उसके विवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है बशर्ते कि उसकी भौतिक शर्तों जैसे कि तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं क्वेश्चन नंबर एटी वन डैश मीर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ कार्स तो इसका आंसर हो जाएगा कंकेव अवतल दर्पण कारों की हेडलाइट्स में उपयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर एट्टी टू क्रायोजेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ वेरी लो टेम्परेचर अभी हम लोगों ने देखा था क्रायोमीटर जिसका यूज़ किया जाता है जिसका वेरी लो टेम्परेचर होता है ऑब्जेक्ट को उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्रायोमीटर का यूज करते हैं तो यहाँ पे भी जो वर्ड है क्रायोजेनिक्स तो ये भी क्या है ये स्टडी करते हैं हम लोग वेरी लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री डैश स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और रेट ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज तो ये हो जाएगा फ्राइड लॉ डैश कहता है कि प्रेरित ई एम एफ चुंबकीय प्रभाव लिंकेज के या चुंबकीय प्रभाव लिंकेज को काटने की दर के परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है क्वेश्चन नंबर इफ द वेक्टर सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि घूर्णीय संतुलन में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव डैश इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करेंट पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डैश चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए प्योरली रोटेटरी मोशन देन ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ़ द बॉडी मूवस इन अ सर्किल द सेंटर ऑफ विच इज लोकेटेड ऑन लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक एक वृत्त में चलता है प्रत्येक घटक क्या चलता है एक वृत्त में चलता है जिसका एक केंद्र एक रेखा पे स्थित है एक रेखा पे स्थित है तो जिसे क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर एटी सेवन द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये हो जाएगा जीरो क्यों हो जाएगा सपोज एक सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एफ होगा इधर और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा जो वेक्टर होगा तो इस दोनों के बीच में क्या होगा हमारा नाइन्टी डिग्री का कौन बनेगा और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा ठीक है तो एफ एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा एफ एस कॉस नाइनटी मतलब ये हो जाएगा जीरो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो नंबर एटी एट वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर टॉर्क की एसाई SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर आर क्रॉस एफ आर बोले तो मीटर और एफ बोले तो न्यूटन तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन वट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एल्यूमिनेस तो इसका आंसर हो जाएगा लक्स भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई लक्स है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी इफ ए बॉडी मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर मोशन देन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में एक समान वेग के साथ चलता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूटनल वेव्स इन गैस एज ए मीडियम तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड वेव्स अनुदायिक तरंगों गैस के एक माध्यम में साउंड वेव्स एक उदाहरण है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू इन प्रोजेक्टाइल मोशन द टोटल फ्लाइट टाइम इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट प्रक्षेप गति में कुल रान का समय दोगुना होता है किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री हु फर्स्ट डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ जी तो यह है लॉर्ड कैवेंडिस सबसे पहले जी का मूल्य किसने निर्धारित किया था लॉर्ड कैवेंडिस ने किया था क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है मोमेंटम का फॉर्मुला होता है डब्ल्यू पी इजल टू एफ टी एफ हो गया न्यूटन और टी हो गया सेकेंड तो क्या हो गया आंसर हमारा न्यूटन सेकेंड क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस तो इसका आंसर हो जाएगा फैराड भौतिक मात्रा धारिता की इकाई फैराड है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड तो यह है डिस्पर्सन अलग अलग रंगों में प्रकाश के विभाजन को डिस्पर्सन यानी कि प्रसार कहते हैं 97. सेवन वट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी तो यह है वैक्योरल भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई वैक्योरल है क्वेश्चन नंबर 98. एट वट इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी तो यह है जूल पर कैल्विन भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई जूल पर कैलविन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन डैश स्टेट्स दैट इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ अ स्टेट एंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट सप्लाइड टू सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई उष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स टॉर्क का फोन होता है आर क्रॉस एफ जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका आठ डिस्टेंस पे कोई फोर्स एफ लगता है तो इसमें जो टॉर्क डेवलप होता है जो आर क्रॉस एफ होता है वो हमारा क्या होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो नाइन्टी डिग्री होता है आर क्रॉस एफ का तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वन फेराड इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस अभी हम लोगों ने देखा था कैपेसिटेंस का यूनिट फेराड होता है और यहाँ पे उसी को दोबारा पूछा गया फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्वेश्चन नंबर हंड्रेड टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू एनी पेयर ऑफ बॉडीज गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी भी दो वस्तु के बीच में लागू हो सकता है क्योंकि फार्मूला में जो हमारा फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिड बाय आर स्क्वायर तो हमारा एम वन कुछ भी हो सकता है और एम टू कुछ भी हो सकता है तो एनी पेयर ऑफ बॉडीज हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड थ्री व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई हेनरी है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर यूनिट ऑफ इम्पिडेंस इज तो इसका आंसर हो जाएगा ओम प्रतिबाधा की इकाई ओम है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी एंट्रोपी का यूनिट क्या है हमारा जूल पर केल्विन भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई जूल पर केल्विन है क्वेश्चन नंबर डैश ऑफ ऑफ इज डिफाइंड एज द द मिनिमम अमाउंट वर्क नेसेसरी टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटेरियल ये जो क्वेश्चन है ये टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का और इसका आंसर हो जाएगा वर्क फंक्शन क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सेवन कैनन बॉल इज मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक तोप का गोला दागा गया है इस गोले की गति एक प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एट वट इज यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई वेबर है यहां से बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं वो या तो रिपीटेड है या फिर वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो तभी आप इस वीडियो को देखें अदरवाइज आप इसे नहीं भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। हंड्रेड टेन व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सलेशन एक वेग समय ग्राफ की ढलान एक्सलेशन को दर्शाता है मतलब एक्सलेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी वाई टाइम क्वेश्चन नंबर 111 व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क जर्क का फिजिकल क्वांटिटी क्या है मीटर पर सेकेंड क्यू और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यू क्वेश्चन नंबर 112 यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो यह है एम्पियर पर मीटर भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर पर मीटर है क्वेश्चन नंबर वन अ ट्रांसफॉर्मर कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अप एसी पावर ट्रांसफर इनमें से एक को छोड़कर निम्न सभी कर सकता है और वो है स्टेप अप एसी पावर जो नहीं कर सकता है क्वेश्चन नंबर 114 इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड तो इसका आंसर हो जाएगा एर्गोमीटर किए गए काम को मापने के यंत्र को एर्गोमीटर कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 115 हंड्रेड फिफ्टीन व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी स्ट्रेस भौतिक मात्रा तनाव की इकाई पास्कल है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सिक्सटीन अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड बोन्सी किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला बल को बोन्सी कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वो स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा यह न्यूटन का प्रथम नियम है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड एटीन फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स तो यह है सी वी रमन सबसे पहले भारतीय जिन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला वो सी.वी. रमन थे क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वीमेन हैव स्ट्रील वॉइस बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी महिलाओं की तीखी आवाज हाई फ्रिक्वेंसी के कारण होती है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन वेन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर इट्स पॉइंट वन पार्ट रिमेन्स आउटसाइड द वाटर जब बर्फ के पानी ऊपर तैरता है तब उसका पॉइंट वन हिस्सा पानी के बाहर रहता है क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से टेन परसेंट कम होता है जिसके कारण टेन परसेंट कम होने के कारण इसका जो पार्ट है टेन परसेंट वो बाहर की तरफ होता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी टू इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर इज कॉल्ड तो यह है क्रायोमीटर कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री

इसको हम लोग इंफ्राइक्टर्स की तरह भी यूज किया जा सकता है और इट कैन स्टोर लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रेट ऑफ वर्क डन इज पावर व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स यंग इसका आंसर हो जाएगा पास्कल भौतिक मात्रा यंग मापक की इकाई पास्कल है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन अरिथमोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स जेवियर थॉमस अर्थमोमीटर का आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था स्टीम इंजन का इन्वेंशन जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस तो इसका आंसर हो जाएगा मोल किसी पदार्थ के मात्रा की मूलभूत इकाई मोल है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर तो इसका आंसर हो जाएगा एनरिको फार्मी। आइजेक न्यूटन इन्वेंटेड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार आइजक न्यूटन ने किया था हु इन्वेंटेड द कॉन्टैक्ट लेंस तो यह है एडोल्फ गेस्टन इजेनफिक। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यह है स्फाइगमोमेनोमीटर हु इन्वेंटेड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम तो यह स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग हु इन्वेंटेड रॉकेट तो यह है रिच के गोयल हु इन्वेंटेड द लाइटिंग रोड इन सेवनटीन हंड्रेड फोर्टी नाइन तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन किया था क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी सेवन प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर विथ रिफ्रेंस टू ग्रेविटी व्हाट इज जी कॉल्ड तो यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हु इन्वेंटेड वाटर टर्बाइन तो यह है बेनवाइट ने वाटर टर्बाइन का इन्वेंशन किया था हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक स्टोव तो यह है लॉइड ग्रॉफ कॉपमैन। हु इन्वेंटेड लेजर तो यह है गॉर्डन गोल्ड हु वॉन्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन टू थाउजेंड फिफ्टीन तकाकी कई हिस्सा ने दो हज़ार पंद्रह में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीता सी वी रमन वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर हुई कैटेगरी तो यह फिजिक्स ह्यूमन बींग्स हियरिंग रेंज इज ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ज कैलिडोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय डेविड ब्रिस्टर बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई इवेंजेलिस्टा टोरीसेली सिस्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय लुइगी पैलमियारी इलेक्ट्रिक ट्राम वाज इन्वेंटेड बाय फेडोर प्रिथोस्की इलेक्ट्रिक चेयर वाज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड बी साउथवीक द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी इलेक्ट्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय जीन एंटोइनी नॉलेट हु इन्वेंटेड टेलीविजन तो यह है जे एल बर्ड हु इन्वेंटेड वैक्यूम फ्लास्क तो यह है जेम्स दीवार इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एनिमोमीटर फार्मूला फॉर डिस्टेंस इज स्पीड इन टू टाइम वन एनोमीटर इज इक्वल टू टेन राइज टू दावर नाइन और ये जो हमारा क्वेश्चन है वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन टू वन हंड्रेड फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन एंड सिक्सटी और सिक्सटी वन ये सारे जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं वन वाई भी प्लस वन वाई यू इज इक्वल टू वन वाई एफ़ और ये सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम में आपका चार से पाँच क्वेश्चन हो जाएगा दूसरे सब्जेक्ट का या दूसरे टॉपिक का तो बेटर ये आप ये क्वेश्चन आपको आप छोड़ ही दो तो अच्छा रहेगा फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लक्की एग्जाम हेल्प जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो तो उसका आंसर या उसका डाउट क्लियर किया जाएगा विथ डिटेल्स तो दोस्तों ये था हमारा आज का फिजिक्स का बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो एस एस सी 2016 में पूछा गया था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री से ही होगा जो एस एस सी 2016 में पूछा गया था और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें